एल डी सी जे सिग्नल का स्टडी मटेरियल पाएं मात्र एक सौ निन्यानवे रुपये में जिसमें फिफ्टीन जिस प्लस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर्स चैप्टर वाइज एम सी क्यू हैंड रिटेन नोट्स राजभाषा के क्वेश्चन और चैप्टर वाइज ई बुक अवेलेबल हैं तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें एट सिक्स फाइव वन एट टू फाइव थ्री एट थ्री पर हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे सिग्नलिंग के एसएनटी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे गए 110 क्वेश्चन भी क्वेश्चन से आंसर्स लेकर आया हूं जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज रीसेट वोल्टेज एंड रीसेट टाइमिंग इन सेल आर सेल डैक में रीसेट वोल्टेज और रीसेट टाइम क्या होता है तो अड़तालीस रीसेट वोल्टेज होता है और दो से दस सेकेंड रीसेट टाइम होता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज वी आर रिले इन बी आर बॉक्स ऑफ सेल एस एस इज सेल एस एस डैक में वी आर रिले किस प्रकार का रिले होता है तो यह एक क्यू एन वन रिले और एक हजार ओम का रिले होता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मॉडर्म कार्ड ऑफ एस एस डैक कैन बी यूज इन एच ए एस एस डैक एच ए एस एस डैक का एच एस एस डैक का मॉडर्न कार्ड का उपयोग एच ए एस एस डैक में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है तो किया जा सकता है हाँ ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज इरर कोड थर्टी इन डेट्रॉन यू एफ एस बी आई इज तो इरर कोड थर्टी पावर इरर नहीं होता है सीक्वेंस इरर भी नहीं होता है फ्रंट इरअर भी नहीं होता है और लिंक इरर भी नहीं होता है तो so, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज टी एक्स क्वाइल फ्रीक्वेंसी इन जी जी ट्रॉनिक्स एच ए एस एस डैक इज जीजी ट्रॉनिक्स एच ए एस एस डैक में टी एक्स क्वाइल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो टी एक्स क्वाइल की फ्रीक्वेंसी इक्कीस किलो हर्ज और पच्चीस किलो हर्ज होती है ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज लूप रेजिस्टेंस ऑफ सिक्स क्वाड केबल यूज फॉर बीपीएससी शुड बी लेस देन क्वाड सिक्स क्वाड केबल जो बीपीएससी के लिए उपयोग होता है उसमें लूप प्रतिरोध जो है कितना से कम होना चाहिए तो छप्पन ओम से कम होना चाहिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इज आई पी एस मॉड्यूल यूज फॉर पावरिंग एच ए एस एस डैक इज एच एस एस डैक को किस आई पी एस मॉड्यूल से पावर दिया जाता है चौबीस से बत्तीस वोल्ट ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इज बी पी एस सी वी पी आर इज प्रूव्ड इन सर्किट ऑफ बी पी एस सी वी पी आर किस सर्किट में प्रूव किया जाता है तो एडवांस स्टार्टर के सर्किट में ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इज एक्सल काउंटर ऑफ एच एस 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 डैक कैन बी यूटिलाइज ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेल सेक्शन एच एस एस डैक किस प्रकार के रेल सेक्शन में लगाया जा सकता है तो साठ के जी रेल में भी बावन के जी में भी और नाइन्टी आर रेल में भी तीनों ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इज एज पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस ऑल ई आई टू बी कमीशन इन रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी ई आई किस मोड में कमीशन होने चाहिए हॉट स्टैंड बाय में ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन इज एस ए टी मीन्स क्या होता है सेट का मतलब क्या होता है तो so सेट का मतलब साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज वीडियो कनेक्टेड टू वेस्टरेस्टम सिस्टम वाया सिस्टम से वीडियो किस केबल से जुड़ा रहता है तो OFC केबल से जुड़ा रहता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज बिच टाइप ऑफ रिले यूज इन सीमेंस ई आई सिस्टम सीमेंस सी आई सिस्टम में किस टाइप का रिले का उपयोग होता है तो चौबीस और पचास वोल्ट दोनों रिले का उपयोग होता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज रेटिंग ऑफ फ्यूज इन सिग्नल लाइटिंग सर्किट इन इज़ में सिग्नल लाइटिंग सर्किट में फ्यूज की क्या रेटिंग होती है तो छियर की फ्यूज होती है ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज यूज टू इंटरफेस ई आई विथ डाटा लॉगर ई आई को डाटा लॉगर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज बीच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज विथ ई आई इनमें से कौन सा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ई आई के साथ लगाया जाता है यू एफ एस भी लगा सकते हैं एस जी का डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी और डाइडो का भी लगा सकते हैं तीनों ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज पॉइंट्स ऑफ बीच पाथ इज प्रूव्ड इन कॉलिंग ऑन सिग्नल कॉलिंग ऑन सिग्नल के रूट में किस पॉइंट को प्रूव किया जाता है तो रूट और आइसोलेशन ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज सिग्नल ओवरलैप इन केस ऑफ डबल लाइन एम एस सी एल एस इज ट्वेंटी मीटर ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज एल आर रिले इज यूज फॉर रूट इनिशिएशन ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज रिले पिकअप वेन एल सी गेट इज लॉक्ड कौन सा रिले पिकअप होता है जब एल सी गेट लॉक किया जाता है तो के एन एल आर ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्रेन स्टॉप डेट स्टार्टर ओवर लैप इज रिलीज आफ्टर जब ट्रेन स्टार्टर पर रुकती है तो ओवर लैप कितने समय बाद रिलीज होता है तो वन ट्वेंटी सेकेंड के बाद ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज कॉलिंग ऑन सिग्नल इज

टाइम डिले ऑफ ई डब्ल्यू एन ऑपरेशन में कितने समय का विलंब लगता है तो इसमें विलंब नहीं लगता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज वन एस एम आर कैन कैरी मैक्सिमम करेंट अप टू ट्वेंटी एम्पियर ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज रेटिंग ऑफ फ्यूज प्रोवाइडेड इन एसपीडी बॉक्स इज एसपीडी बॉक्स में लगे फ्यूज की रेटिंग क्या होती है 63 एम्पीयर की फ्यूज ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज इन केस ऑफ एलएमएल सेल्स इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन स्पेसिफाइड रेंज देन डिस्टील्ड वाटर इज एडेड आसुद पानी डाला जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इज बैटरी बैंक ऑफ आई पी एस इज कनेक्टेड टू बीच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी बैंक इनमें से किन से आईपीएस से जोड़ा जाता है एस एम आर से ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इज हाँ मैंने डिजिटल इनपुट आर कनेक्टेड टू वन डिजिटल इनपुट कार्ड एक डिजिटल इनपुट कार्ड में कितने डिजिटल इनपुट को जोड़ा जा सकता है सिक्सटी फोर ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी इज ऑल टी पी आर एन डब्लू के आर आर डब्लू के आर आर वायर्ड इन टू डाटा लॉकर एज सभी टी पी आर या एन डब्ल्यू के आर आर डब्ल्यू के आर की वायरिंग डाटा लॉकर में कैसे होती है तो डिजिटल इनपुट के रूप में ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिले कॉन्टैक्ट यूज इन सीरीज इन एनी सर्किट किसी भी सर्किट में अधिकतम कितने रिले कॉन्टैक्ट सीरीज में हो सकते हैं तो फोर्टी फाइव ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टर सिग्नल एंड इट्स ग्लूड ज्वाइंट इज स्टार्टर सिग्नल और उनके ग्लूड ज्वाइंट के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो थ्री मीटर होनी चाहिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इज विजिबिलिटी ऑफ स्टॉप सिग्नल शुड बी मिनिमम स्टॉप सिग्नल की विजिबिलिटी कितनी होती है तो सभी स्टॉप सिग्नल की विजिबिलिटी टू हंड्रेड मीटर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्शन मास्ट एंड सिग्नल पोस्ट इफ ट्रैक्शन मास्ट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ सिग्नल इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन ट्रैक्शन खम्बा और सिग्नल पोस्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जब ट्रैक्शन खम्बा सिग्नल पोस्ट से आगे हो और ट्रेन चलने की दिशा में हो तो थर्टी मीटर ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक रिले इन ट्रैक रिले क्यू टी ए टू इन ओम ट्रैक रिले क्यू टी ए टू का प्रतिरोध कितना होता है नाइन ओम ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इज टू प्रिवेंट शॉर्टिंग ऑफ रेल फुट टू द फिश प्लेट इन केस ऑफ ग्लूड जॉइंट व्हिच टाइप ऑफ पैनरोल क्लिप इज यूज्ड ग्लूड जॉइंट के केस में रेल फुट को फिश प्लेट से छूने से बचाने के लिए किस टाइप का पैनरोल क्लिप का उपयोग होता है जे टाइप ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज एलसीबी की ऑफ यूएफएस बाय शुड नॉर्मली भी, भी, चाबी सामान्यतः कैसी होनी चाहिए तो इन होनी चाहिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इज डीसी डीसी कन्वर्टर मॉड्यूल यूज इन यूएफएसबीआई इज यूएफएसबीआई में किस डीसी डीसी कन्वर्टर का उपयोग होता है से बत्तीस बोल्ट और 5 एम्पियर ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ़ एक्सल काउंटर बाई पासिंग बीपीआर केस ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर बाई पासिंग बीपीआर कॉन्टैक्ट यूएफ एसबीआई कैन बी यूज फॉर लाइन क्लियर नो, इट कैन नॉट बी यूज फॉर लाइन क्लियर ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज इन बीच ऑफ फॉलोइंग रिले एक्सेल काउंटर बीपीआर इज प्रूव्ड। इनमें से किस रिले में बीपीआर एक्सेल काउंटर का प्रूफ किया जाता है तो एजेट टी आर एंड एज टी आर डी का और एज टी आर आर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इज इन लूप मोड ऑफ मॉडर्म इन यू व्हाट एस इरर कोड कम्स नॉर्मली सिक्स नंबर इरर ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इज इन आई बी द ब्लॉक ओवर लैप सेल बी फोर हंड्रेड मीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इज सीमेंस रिले रिलेज ऑफ आर वर्क विथ सिक्सटी वोल्ट डीसी ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इज एस एस डैक यूज विथ ब्लॉक वर्किंग टाइप ऑफ रिसेट यूज इज प्रिपरेटरी रिसेट ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इज दिस सिंबल इंडिकेट्स दी रिले ये चिन्ह रिले में क्या इंडिकेट करता है स्लो टू रिलीज नहीं करता है स्लो टू पिकअप भी नहीं करता है ए सी यूनाइज भी नहीं करता है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इज द इंटरचेंजेबल कॉन्टेक्ट इन क्यू सीरीज रिले इज बी फाइव बी सिक्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 सेवन इज द कॉन्टैक्ट्स यूज इन क्यू सीरीज रिलेज आर एम टू सी ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज क्यू एस पी ए वन रिलेज आर यूज इन एज टी पी आर ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इज कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन बी फिटेड बिलो ऑफ सिग्नल कॉलिंग ऑन कॉलिंग ऑन सिग्नल किसके नीचे लगाया जा सकता है होम सिग्नल के नीचे ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन गुड्स वार्निंग बोर्ड एंड कंसर्नड होम सिग्नल इन सिंगल सिंगल डिस्टेंट टेरिटरी इज फोर्टीन हंड्रेड मीटर ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इज इन क्लोज पोजिशन ऑफ एल सी गेट मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन बूम एंड रोड सर्फेस इज एट हंड्रेड एम एम एट्टी सेंटीमीटर ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू इज बीच इक्विपमेंट कैन बी यूटिलाइज इन प्लेस ऑफ ट्रैक सर्किट ट्रैक सर्किट के स्थान पर कौन सा इक्विपमेंट काम में लगाया जा सकता है काम में लाया जा सकता है

क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इज आउटपुट ऑफ एस इन आईपीएस इज वन टेन बोल्ट डी ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इज इंड्यूस्ड वोल्टेज इफेक्ट सर्किट ऑन सिग्नलिंग केबल एंड टेलीकॉम केबल बोथ ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इज ट्वेंटी एट यूनिमेट बी सी एम आर मशीन फॉर इंजीनियरिंग वर्क ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट इज प्री कमिशनिंग चेकलिस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट टू बी प्रिपेयर प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट कब तैयार की जाती है वायर टू कमिश्निंग कमिश्निंग से पहले ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इज द कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यू ए टू रिले इज क्यू ए टू का कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है तो फोर एफ टू बी टाइप का भी होता है टू एफ वन बी भी होता है और टू भी होता है ए बी और सी तीनों हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इज फॉर क्यू सीरीज रिले वायरिंग फ्लेक्सिबल लूज वायर यूज इज ऑफ

आर सी एंड एन डी नॉर्मल में सेट एंड लॉक रहेगा तो एन डी और आर सी बनेगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इज हाउ मेनी डेज ऑफ एल ए पी इन अ कैलेंडर ईयर ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट सेल बी इंटाइटल टू गेट थर्टी डेज एल ए पी ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इज पैटर्निटी लीव इज एडमिशिबल विथ लेस देन टू सर्वाइविंग अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज इफ द ट्रांसफर इन चेंज ऑफ स्टेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू स्टेशन इज लेस देन वन थाउजेंड किलोमीटर हाउ मेनी डेज ऑफ जॉइनिंग टाइम इज डेज़ ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकोमोटिव बॉक्स इज सिचुएटेड एट डीजल लोकोमोटिव क्स कहाँ स्थित है वाराणसी में डी एल डब्ल्यू वाराणसी में ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन स्टेशन वेयर रेल्स रेल लाइंस इंड इज कॉल्ड एक ऐसा स्टेशन जहां रेल लाइन समाप्त होती है क्या कहा जाता है टर्मिनल स्टेशन ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट सिकंदराबाद ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीजनल निम्नलिखित में कौन सी क्षेत्रीय रेल और उनका क्वार्टर की जोड़ी सही नहीं है साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद है ये सही है और सेंट्रल रेलवे का भोपाल नहीं है मुंबई है ये गलत है साउथ रेलवे सदर्न रेलवे का चेन्नई है और नॉर्दर्न रेलवे का नई दिल्ली है यानी ए सी और डी सही है इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है तो सेंट्रल रेलवे भोपाल ये सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज बीच ऑफ दीज रिलेज परफॉर्म्स दी फंक्शन ऑफ वन ट्रेन वन सिग्नल टी एस आर ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इज वेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर हर साल हिंदी दिवस का मनाया जाता है चौदह सितंबर को ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इज एज पर आई आर एस सी एम इज रिक्वायर्ड फॉर आई आर सी एम के अनुसार विच्छेदन आवश्यक है किस चीज़ के लिए तो टर्मिनलों को खोलकर पॉइंट के ऑपरेटिंग करंट को मापने के लिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इज विच इज ट्रू निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल मेन सिग्नल नहीं होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल में भी प्रोवाइडेड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल ये भी गलत है किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल प्रदान किया जाता है ये भी गलत है स्टार्टर uh, सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल को शुरू होने में समय की देरी की आवश्यकता होती है तो इसमें से क्या हो जाएगा ये भी नहीं होगा और होम सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल को शुरू होने में समय की देरी की आवश्यकता होती है तो ये होम सिग्नल के नीचे लगाया जाता है इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इज एज पर टीबी यू क्लासिफिकेशन ऑफ एलसी गेट्स विच इज ट्रू तो स्पेशल क्लास टीबी यू जो होता है पचास हजार से ज़्यादा होता है स्पेशल क्लास के लिए और तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज स्टेशन लिमिट इन एम एस सी एल एस टेरिटरीज गेट स्टॉप सिग्नल एट मिनिमम वन एट्टी मीटर गेट स्टॉप सिग्नल न्यूनतम एक सौ अस्सी मीटर पर होना चाहिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इज इन डबल लाइन आड़ी सेक्शन बीच ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में नॉट बी यूज डबल लाइन आर या विद्युतीकृत सेक्शन में कौन से ब्लॉक उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है डायटो right is, कौन सा सही है तो सन सिग्नल जो होता है मेन सिग्नल नहीं होता है यह गलत है सन सिग्नल में भी प्रोवाइडेड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल ये भी गलत है और सिग्नल में भी बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ये सही है ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन इज एज पर आई आर एस ओ डी

फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिले सर्किट द स्टैंडर्ड फ्यूज रेटिंग इज टू एम्पियर ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज द गेट स्टॉप सिग्नल इज प्रोवाइडेड विथ जी मार्कर ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी थ्री इज रूट इज लॉक्ड रूट लॉक होता है तो क्या होता है ए एस आर ड्रॉप हो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी फोर इज एम एस सेल इज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर फॉर। एस एस ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट नंबर एटी फाइव इज पॉइंट मशीन नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज इज पॉइंट मशीन का नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी टू एसी ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी 87 इज रूट चेकिंग रिले इज यूसीआर ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज नॉर्मल पॉइंट इंडिकेशन रिले एन डब्ल्यू के आर ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी नाइन इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्लूट ज्वाइंट इन वेट कंडीशन शैल नॉट बी लेस देन थ्री किलो ओम ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी इज एज पर एस सी एम द अवेलेबिलिटी ऑफ जी एफ एन लाइनर शुड बी इंश्योर्ड अप टू नाइन्टी

नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री थ्रो ऑफ आई आर टाइप पॉइंट मशीन इज टू ट्वेंटी एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर इज गेज ऑन ब्रॉड गेज इज सिक्सटीन सेवेंटी सिक्स एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव इज इलेक्ट्रोलाइट यूज इन लीड एसिड सेल इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स इज फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी इज स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन इज ज्वाइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग ऑफ अ स्टेशन इज डन एवरी थ्री मंथ्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट इज बीच रिले हैज हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट रिले रिले ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन इज विच रिले सेंस करेंट इन सर्किट सर्किटीआर रिले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इज इन रिले डिविजन इज हेडेड बाई इन रेलवेज इज हेडेड रेलवे डी आर एम ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड वन इज राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है तो तमिलनाडु क्या क्षेत्र में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू इज वर्तमान में राजभाषा विभाग का प्रभार किसके पास है तो राजभाषा विभाग का प्रभार गृह मंत्री के पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थ्री इज राजभाषा नियम के अनुसार मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर इज राजभाषा नियम के अनुसार हिमाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है तो हिमाचल प्रदेश भी क्षेत्र में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फाइव इज भारतीय भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है तो हिंदी भारत की राजभाषा है ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्स इज हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किसमें देना होता है तो हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवन इज राजभाषा अधिनियम के अनुसार पत्राचार के दृष्टिकोण से भारत को कितने क्षेत्र में बांटा गया है तो भारत को तीन क्षेत्र में बांटा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एट इज इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो भोजपुरी शामिल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइन इज गुड्स ट्राफिक का हिंदी क्या होता है <coughs> माल यातायात ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन टेन संघ की राजभाषा क्या है तो संघ की राजभाषा हिंदी है यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद